अब टायर देखना ठीक है, ये मेरा हाथ है और उसके बाद भी इतना हिस्सा खाली है इसमें। कस्टम बिल्ट है पूरा का पूरा, एंड ट्रिब्यूट टू सो दोस्तों, आपने इतनी सारी हार्ली डेविडसन X440 देखी होगी, बट ऐसी आपने बिल्कुल भी नहीं देखी। साथ के साथ हम देखें तो ये IBW में जो जीती है व्हीकल, वो व्हीकल है। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के? सो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन, मैं भी हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छा। और पिछले कुछ टाइम से मैं रेगुलर नहीं था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि मैं क्यों रेगुलर नहीं था। और जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैं ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर चुका था कि मेरी नई बाइक कौन सी होगी, क्योंकि पिछली बाइक तो मैं बेच चुका हूँ, बट उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो सारी चीज़ें बातचीत करेंगे आज इस ब्लॉग में, मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो हाँ जी दोस्तों, आ चुके हैं हम मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। एंड भाई, अब आप लोग को ना यार ये बिल्कुल डिफरेंट सा सेटअप दिख रहा होगा, क्योंकि डोमिनार देखने की आदत हो चुकी थी। तो भाई डोमिनार तो हमने बेच दी, एंड ये सुनील भैया की स्पेयर बाइक है, तो मुझे चाहिए था और बहुत अर्जेंट था मुझे जाना, क्योंकि जहाँ पे जाना है वहाँ पे डायरेक्ट बस है नहीं, दो तीन बस जाके चेंज करनी पड़ती, पर थोड़ा आलस भी आ रहा था। तो मैंने कहा कि भाई चलो भैया से बाइक ले लेते हैं उनकी और उसी से चलते हैं। तो अभी जो मैं जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ कैपिटल हार्ली पे, तो गुड़गांव के अंदर में है वो। तो वहाँ पे भाई राजपूताना कस्टम्स की हार्ली X440 आ रखी है, बहुत ही तगड़ी तगड़ी, जो IBW में भी इन्होंने दिखाई थी। तो वही तीन बाइकें हैं, तो उन तीन बाइकों के बारे में, मतलब शायद दो या तीन कुछ ऐसी बाइकें हैं, तो उन्हीं के बारे में शूट करेंगे और उसकी सारी वीडियो आपको मेरे सेकेंड चैनल पर देखने को मिलेगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर भाई मैं बाइक मैंने बेच दी तो दूसरी ली क्यों नहीं है? आपने पिछली वीडियो देखी थी, मैंने वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी स्क्रैम्बलर 440 और स्पीड 440। तो मतलब मेरे को ना स्क्रैम्बलर पसंद आ गई थी, क्योंकि इस बार जो मैं बाइक चाहता हूँ ना वो ऐसा चाहता हूँ कि जो माइल्ड ऑफ रोडिंग कर पाए। मतलब मैं ज़्यादातर हाईवे टूरर ही करता हूँ, तो अभी जो मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने इतना डीले किया है, वो है कि रॉयल इनफील्ड की एक स्क्रैम्बलर निकल रही है 450। अब मैंने भाई हिमालयन चलाई थी, उस पर पूरा दिल आ गया था मेरा, बट क्या है ना कि मेरी जो हाइट है वो है 5'6" और मुझे बाइक ऐसी चाहिए जिस पे जब मैं चलाऊं और वीडियो बनाऊं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि भाई बाइक मैं चला रहा हूँ, ना कि बाइक मुझे चला रही है। जो स्क्रैम्बलर 450 निकल रही है रॉयल इनफील्ड की, उसके अंदर में सेम वही वाला मीटर कंसोल इस्तेमाल किया गया है जो कि आपका हिमालयन में यूज़ किया हुआ है। तो अगर तो वो आता है तो भाई वो परफेक्ट सूटेबल बाइक है। सो जी दोस्तों, हम आ चुके हैं हार्ली डेविडसन के शोरूम में, और ये अभी हम हैं उसके बैकयार्ड में। तो अभी मेन शोरूम में दिखाऊंगा जहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीज़ हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे हार्ली X440 का भाई मेला लगा रखा है। अभी तक मेरे को ना शोरूम के अंदर में सिर्फ ये वाला कलर दिखा है, और वो वाला कलर तो दिखा ही नहीं मेरे को। मतलब अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसके चक्कर में समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये रेड में है, ये देखो पूरा मेला लगा हुआ था भाई। ये तो मैं चैनल पे बना चुका हूँ इसकी वीडियो, आप लोग को सारी चीज़ें दिख जाएंगी, बट अभी जो मैं दिखाता हूँ और बड़ी बड़ी बाइक से वो दिखाता हूँ मैं आपको। यूज्ड मार्केट में ना भाई इस बाइक ने तहलका मचा रखा है, हर जगह देखो यही 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 स्ट्रीट 750 स्ट्रीट नहीं है सॉरी नॉर्मल 750 है। देखो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बाइक पूरे एंटायर हार्ली डेविडसन के सेगमेंट में। अब टायर देखना ठीक है, ये मेरा हाथ है और उसके बाद भी इतना हिस्सा खाली है इसमें। टायर देख रहे हो, 1200 सीसी का इंजन है इसके अंदर में, और लुक देखो। और ये है पेन अमेरिका भाई, इस बाइक ने मेरा पूरा अट्रैक्शन ले लिया। ये देखना X440 और ये देखो पेन अमेरिका HD 1250 सीसी का इंजन है, V-twin इंजन देख रहे हो, और ये एग्जॉस्ट देखो भाई। तो भाई अभी हम एक्सप्लोर करते हुए और आए हैं, और ये देखो भाई बाइक मुझे दिख रही है, हालांकि ये कस्टम बिल्ट है पूरा का पूरा, एंड ट्रिब्यूट टू कैबिन रिबॉन। अब आई डोंट नो ये कौन है, अगर आपको पता है तो मुझे बताना ज़रूर, बट ये जो इसका इंजन है ना पूरा का पूरा स्ट्रीट 750 पे बेस्ड है। और ये देखो हार्ली डेविडसन कैसी है, ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये देख रहे हो बाइक का भंडार लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ पेन अमेरिका पे, देखते हैं मेरे पैर पहुँचते कि नहीं। 5'6" वैसे तो नहीं पहुँचेंगे,
भाई मेरे ख्याल से 250-280 किलो से कम नहीं होती है। एक तो बैठने का तरीका, कपड़े गंदे हो जाएंगे बीच में। तो सही कह रहा था वैसे, दिखने में लग रहा है कि बहुत भारी है बट चला सकता है। और एक चीज़ और बताऊँ, इसमें स्केरिंग टेम्पर लगे हुए हैं, पास है स्टीयरिंग डैम्पर, मींस स्टीयरिंग डैम्पर लगे हुए हैं स्टेबलाइजेशन के लिए, दिख रहा है? हाँ। ताकि अगर गलती से स्पीड में मतलब टैंक स्लैपर आया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टीयरिंग डैम्पर ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट कर देंगे। भाई इसमें ना बहुत सारे फीचर्स होंगे, क्रूज कंट्रोल। हाँ तो भाई स्क्रीन की आवाज़, भाई वॉइस असिस्ट भी है इस पर, ये देखियो वॉइस असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल। माय गॉड, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो कितने टाइम से स्टार्ट नहीं होगी है और कोल्ड स्टार्ट पे ही आवाज़ है इसकी, जब वार्म अप हो जाएगी तो क्या खतरनाक होगी। A few moments later. So guys, here we have a fat boy. और अभी इसकी मैं स्टार्ट करके आवाज़ सुनाता हूँ, एक बार स्टार्ट करोगे भैया? कितना मैसिव टायर है भाई, अब देखो 1x में कर दिया मैंने, और टायर देखो डनलप के। टायर देख रहे हो, इतना मोटा टायर पीछे वाले टायर का नहीं आता। तेनाली की लाइट्स लगी है इसके अंदर में, अप्रॉक्सीमेटली 45,000 रुपये की तो सिर्फ लाइट लाइट है। इसका वी ट्विन इंजन कितने कंफर्टेबल है, आवाज़ और रियर टायर देखो कितना स्टॉक में है, स्टॉक में इसमें एग्जॉस्ट नहीं लगा तभी हाल है। खतरनाक है भाई। सो गाइज, अभी मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पे फैट बॉय की आवाज़ हो रही है। देखो इग्निशन देते के साथ इसमें लाइट देखना, कितनी खतरनाक लाइटें हैं भाई इसकी, वो देखो भाई दिन में यह हाल है। और इसको स्टार्ट करना, स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनना, देखना इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगे। से वह बहुत खतरनाक आवाज़ है, खतरनाक ही है भाई। ये कुछ कौन सा है, वेंसन हाइंस का एग्जॉस्ट है ये। लुक एट द ब्यूटी भाई, ये देखना क्या है ये, इतने मीटर्स तो एक साथ मैंने कभी देखे भी नहीं है। डैशबोर्ड, आरपीएम, मीटर, फ्यूल, वोल्टेज, ऑयल, एयर प्रेशर, अभी क्या क्या है इसके अंदर में, कंट्रोल्स देखना। और ये देखो सोफ़ा सेट है भाई पूरा, ये एग्जॉस्ट देखो कितना सुंदर है इसके भाई, वर्ल्ड टूर के लिए व्हीकल। क्रोम की फिनिशिंग देख रहे हो कितनी तगड़ी है, ये देखो भाई म्यूजिक सिस्टम है इसके अंदर में और फ्रंट से। और ये देखो एक व्हीकल, इनके तो नाम भी नहीं पता मेरे को भाई, इनके लिए तो अलग से पढ़ाई करनी पड़ जाएगी। क्या लोग कॉपी करके बुलेट बनाएंगे भाई, ये देखना मटेरियल देखो यार कितना स्टडी है, आप लोग तो नहीं देख पाओगे, खतरनाक भाई खतरनाक। और एक चीज़ देखो, देखो ये पंचर हो रखी है,
टायर देखो कितना मैसिव है। भाई यहाँ पे ना इतनी सारी बाइकें हैं ना, देख के मतलब ऐसा हो रहा है कि ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। बट ऑब्वियस सी बात है भाई, अभी अपने बस की नहीं है, क्योंकि कोई भी बाइक ना मतलब 15 लाख से नीचे नहीं है। मतलब X440 और अदरवाइज बाकी जितनी भी व्हीकल है ना, सब के सब भाई 18, 20, 25, 30, 35, मतलब ये तो खिलवाड़ है इनके साथ में। एसेसरीज एग्जॉस्ट ही भाई 1.5-2 लाख के, जितने की नॉर्मल बाइक आती है। सो दोस्तों, आपने इतनी सारी हार्ली डेविडसन X440 देखी होगी, बट ऐसी आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। तो भाई ये देख सकते हो, साथ के साथ हम देखें तो ये IBW में जो जीती है व्हीकल, वो व्हीकल है जो कि इसे डिज़ाइन किया हुआ है बुलेटर कस्टम्स ने। तो देख सकते हो यहाँ पे आप, इसे पूरा कैफे रेसर बना रखा है और इतना ह्यूमंगस इसके अंदर टायर है। सो लेट जी दोस्तों, हम सारा शूट वगैरह सब कुछ करके अब वापस अपने घर पे जा रहे हैं। तो अभी क्या है कि भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, तो बहुत लेट हो गए शूट करते हुए, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। एंड मैंने आपको अपडेट दे ही दिया कि भाई मैं अभी बाइक क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि सितंबर से पहले मैं कुछ डिसाइड नहीं करने वाला। जिन जिन बाइकों के बारे में मैं बताना चाहता था, वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको मेरा सेकेंड चैनल विज़िट करना है, जिस पर मैं सभी बाइकों के रिव्यूज़ करता हूँ, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, MotoWorld656 मेरे चैनल का हैंडल आ रहा होगा आपको, तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो बस इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड। तो मिलेंगे मेरे ऐसे किसी नेक्स्ट रिव्यू में, टिल देन बाय बाय।